बधाई देते हैं ना लड़की को, जब से नाती हो तो मेरे, और फोटो भी देखेंगे वो, ये है मेरी बहू, ये है मेरी, ये मेरी पहली जैकेट कैसे लगे? ये वाला लास्ट में खुलवाना चाहते थे, मस्त तुमने ब्लैक नहीं मिली यहाँ इसको लास्ट में, मेरे को लगा उसमें ये है। कैसी लग रही है तुमको? ये मस्त लग, सही बताओ, सच में पहन के दिखाओ, गुब्बारा लगूंगा मैं, मस्त लगोगे। मैं उधर नहीं, मैं अभी तो तैयार हो गया बाबू, बहुत मस्त लगेगी जीन्स वीन्स पहन के। और तुम्हारे साथ इसकी है एकदम, टोपी उतारो, टोपी उतारो ना बाबू यार जी, जादू टोपी मेरे को भी गंदी लगती है। हाँ जैकेट मैं टोपी फिर बाइक के लिए ठीक होती है ना। हाँ ये जीन्स वीन्स पहनोगे, शूज चिड़ मत मेरे से, मैं नहीं चिड़ी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं ऐसी, बड़ी तो लग रही, हम ज्यादा अच्छा लग रहा तो तू चिड़ मत। बड़ी ये पंकज को तो टाइट आ रही थी, तुमको ढीली क्या आ रही है? पंकज है आती है वो, अगर फिर भी पतला हो गया था पहले से। अच्छा पंक खत्म हो गया वो, यही वाला हूँ आप बता दे। तुमसे रोजी कुछ कहना चाहती थी एक बात, जूते वो तो मैं बाद में ले लूंगी यार, तो मेरे जूते की देख रही, मेरे जूते लेने पागल हो रहा, तो रोज इतने सोच रखा है, मैं तुमसे बोलूं पागल नहीं है वो, बहुत प्यारी बीवी मेरी, और कमल आएगा फिर ब्लैक सीट ले मांगा, कोई मत बोलना प्यारा पागल हो रहा, मेरी सुंदर सी बीवी हो, आ कभी जरूर पड़ाई हो कभी थप्पड़ भी मारेगा किसको, क्यों मारना है वो मार जाएगी वो नहीं मारेगी। नहीं नानी मैं ऐसा कर सकती हूँ कभी नहीं, मैं पति की बहुत इज्जत करती हूँ, राग में लड़ना का मतलब ये नहीं है मैं थप्पड़ मार दू, गाली दे दू, लात उसे, वो मेरा पति है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, थप्पड़ भी नहीं, मैं कभी उनको तेज आवाज में भी बात नहीं कर सकती। तेज आवाज मतलब गुस्सा होंगे तो चिल्ला देती हूँ, मगर रुकता है। कैसी लग रही है? जबरदस्त बाबू, तुम्हें पसंद नहीं आई तो चेंज हो जाएगा, नो टेंशन, मेरी बाबू लाया फिर पसंद है, सारा पसंद है। उल्टियों करना है। ऐसी खांस रही थी रोजी कल, अभी तो बंद हो रही है आवाज, थोड़ी खुली थी। तुम्हें बड़ी आ गई क्या? नहीं सही आ गई है, बाजू थोड़े फोल्ड कर लेना, फोल्ड करके अच्छी लगेगी, नहीं, नहीं, हाँ बटन भी लगेंगे ना यहाँ ऐसे करके, मस्त मस्त पहन पहन के क्यों दिखा रहे हो? दिखाएंगे सब चीज, बाद में फिटिंग चेक करनी है, बहु पहन, हाँ ठीक है, फिटिंग फिर निकालूंगा, फिर फिटिंग चेक करूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है। रोजी पकने दो, पकने दो, और अभी पहन के क्या, अभी तो वैसे ही पहन रहा हूँ ना, रजो कच्चे रह जाते चावल, स्वेटर आगे से देखो ब्लैक, ये उल्टी है, देख गया इसको, कैसे लग रही है? इसके अंदर ये भी अच्छी लगेगी जैकेट ना, सबके ऊपर अच्छी लगेगी जैकेट के ऊपर, स्वेटर सही रहती है ना, जीन्स के ऊपर वाली मफलर डाल लिया ना, मफलर के हिसाब से ज्यादा सोच के लाई थी, मस्त लग रही, मगर ये अभी मत पहनना, जब जाएंगे तभी पहनना, ठीक है? काली अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है, खुश हो रहे होगे, चलो आ जाओ इधर आ जाओ, बहुत खुश हो रहा हूँ। मेरी बीवी ले गया मेरे लेते कपड़े, जितने में तीन छुट्टी में लेके आता हूँ, तुम 3 महीने बाद भी तो आते हो बाबू, गाइस देख लो तैयार हो गई है, कॉलगेट भी नहीं कराया अभी इसने रोजी ने, उठते ही पहले ब्रश करना चाहिए, खुद बाद में करता है ये, कौन कब रोज है, चलो बाद में लड़ लेना, साथ से मुझे देख रही है ना, मैं ब्रश कब कर रहा हूँ, बाद में रख लेंगे बाबू, बाद में रख लेंगे, तुम पहले ब्रश करता हूँ, ठीक है? उठते ही अरे जूते नहीं जल्दी गंदे हो जाए, मैं धोरी फिर गंदे जा रहा है, अच्छे लग रहे हैं, पसंद किसको आए थे मेरे को, मगर बहुत पहले चलते, पहले स्कूल में पहनती थी मैं ऐसे, वाइट कलर के अलग होते मेरे, ब्लैक थे यही थे, थर्ड नंबर, ये ऑनलाइन मंगाया क्या है, ऑनलाइन मंगाया, नहीं ये है तुम्हारे लिए ट्रैक सूट, ट्रैक सूट ये जेंट्स के जैसा वाला है, नहीं एडिडास का नहीं ना, अब हम घूमने जाएंगे तो मैं भी एक पसंद करके बाबू आ रही, मैं एक ट्रैक सूट पसंद करके आई हूँ लूंगी, ठीक है, वाले भी ले लूंगी, मेरे को वैसे वाले चाहिए, मस्त लग रहा है नहीं, इसको टाइम लगेगा ना, वरना तो इसके लिए भी ले आते हैं, हम दोनों कब आएंगे, कहाँ से, वहां से बाजार से,
अगर उस टाइम आए होंगे तो तुम भी मिल जाना, ले लेंगे। मैं तो दिन में आ जाऊंगी, तुम वैसे तो इसे तो तुम वैसे भी पहन सकते हो खाली जैकेट ना, लोवर को थोड़ा दबाना भी पड़ेगा बाबू, कटवाना भी पड़ेगा। देखो अपनी फिटिंग का, पता है खाली एक जैकेट, ये तो बरसात का काम का है, बरसात भी वैसे भी ठंडे में भी हवा नहीं जाती इसमें ना, इस वाले कपड़े में ठंड में हवा नहीं घुसेगी भाई, बरसात में वो काम आता है, उतना भी नहीं आएगा, ऐसा पानी आता है फिर भी। ऐसे कही गई दिन भर भाग दौड़, यहाँ भी काम वहाँ भी काम, कैसी लग रही? बस अच्छी लग रही, अच्छी लगती है, जींस तो नहीं ली पिछली बार, अच्छी लग रही ना? नहीं बहुत सुन, मुझे बहुत पसंद लग रही। ये देखो बी, ये तो मैं बी की वजह से लाई, उसमें बी लिखा है। ये तो सब नए लाया है, सारे नए है, ये मैं थोड़ी लाया हूँ, ये लाई है मेरे लिए, तू लाई है? हाँ। ये अपने खरीद के लाई है मेरे लिए। अरे तीन महीने बाद छुट्टी आते हैं ना, तो मैं इनके लिए कपड़े खरीदती हूँ। मैं थोड़ी लाया हूँ, मैं लाया, मैं इतने कहाँ लाता हूँ, मैंने कहा तू लाया है, मैं अपने लिए तो दो जोड़ी लेता हूँ। ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? हर चीज सोचती है, मैं सोचती हूँ इसको तू लाया होगा आते समय, मैं लाऊंगा तो मैं क्यों चेक करूंगा, वो लाई है मेरे लिए खरीद के। जब भी छुट्टी आने वाले होते हैं मैं लेके रख लेती हूँ। देखो पैंट वहाँ, देखो स्वेटर, हाँ, बर्फ, हाँ तभी तो। और इनके ऊपर मफलर और अच्छे लगेंगे ना, नीचे जीन्स ऊपर से मफलर स्टाइल वाले, और इसमें बी भी लिखा है भावना का, नानी इसमें बी लिखा है, बी बी तो सब जगह लिखा है। टी शर्ट उतर गई, टी शर्ट उतर गई, टी शर्ट उतर ले फिर एक और स्वेटर। ये शादी इतना क्यों मनाती है फिर नानी? अभी हम घूमने जा रहे हैं ना, अल्लाह बदल के जाएगा ना, हाँ, हम शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए। अच्छा तो वहां के लिए लाई हूँ। ओ भाई नजरना लगता है तू बहुत नजरना लगे, इसलिए तू कृति यार अच्छी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ देखो देखो शीशे में सबसे अच्छी लग रही है। देखा रोजी तुम बोल रहे थे कैसे कपड़े हैं, पुराने जमाने की नहीं है वो लड़के पहनते हैं। पुराने जमाने तो वापिस आ रहा है, फैशन पूछा है मेरी बीवी से पूछो, पुराना जमाना नहीं है भाई वो, फिर क्या वो भी फैशन है फटाफट अच्छा भी आजकल ना। पावलो कहाँ पहनते थे यार ऐसी, पापा के लिए भी लेते हैं रोजी, ऐसा भी कुछ नहीं अलमारी में यार, कुछ कपड़े तो है ही नहीं, इतने सारे की दो अलमारी बना रही, उसे पता नहीं चलता कौन से कब पहन। कोई नहीं, एक अलमारी और बना रहे मेरी है मैं। अच्छा मेरी मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। देखो शीशे में, मैं पहले बोल रहा मेरी बीवी लाई तो चुप रह लो यार, बढ़िया लग रहे हैं। अगर घर के लाया तो आधे बेकार लगते हैं, गंदे भी है तो बीवी लाए तब भी अच्छे हैं, गंदे हैं ही ऐसा भी बोलना है। अच्छे अच्छे हैं। ये जैकेट आजकल चल रही है देखी तुमने, सेम डिटो मैंने भी मंगाई अपने लिए, छोटी वाली है, दोनों एक जैसे पहनेंगे। लगाओ चेन, आजकल चल रही है नई वाली जैकेट, देखी तुमने? खत्म इतनी जल्दी? इतने तो दुकान वाले भी नहीं खोलते दिखाने के लिए जितने लगे आए हो। मैं धड़ा धड़ा लेती हूँ वो ऐसे खत्म हो गए। इनमें क्या था अभी तो मेरे पुराने वाले तो ऐसे ही पड़े अंदर, वो सब व्हाइट जैकेट, वो तो आप पहनोगे उनको भी? हाँ उनको भी निकाल देंगे, शादी है शादी में पहनोगे, कुछ कुछ वहां पहनोगे। अच्छा एनिवर्सरी में क्या पहनोगे? वही तो आज देख लेंगे। अरे यार वो कारपेट पूरा बाहर तक आ रखा था, फिर उलझ के गिर गई। कमरे की असली सफाई तो मैं ही कर सकती, बता अंदर गई है मैं गिर गई, वो कारपेट पूरा फैल रखा था, तो मैंने कहा मैं ही कर सकती हूँ मम्मी। हाँ बहुत ही सफाई, 5 बजे उठ के झाड़ू लगा रखा है, 4 बजे चाय दी। हाँ नहीं आएंगे, इतनी हिम्मत थोड़ी है।
ये जूते अरे फेंक दो, अभी बाहर फेंकूंगा। फेंकना नहीं है बाबू, सुनो परसों ना मेरे एक जूते थे व्हाइट कलर के, नहीं थे जो बैली जैसे, तो मैंने रोजी से कहा जो मेरे जूते धोएगा ना मैं उसे 30 रुपए दूंगी। रोजी कह रही तन्नू से, चल तन्नू तैयार हो जा जूते धोने के लिए, 30 रुपए मिलेंगे। तो तन्नू कह रही मैं ऐसे धो दूंगी 30 रुपए नीचे, और रोजी ने फटाफट फटाफट धो दिए। साथ में क्या है, लेकिन उसी के बगल में जाने हम नहीं देखा है। ये तुम किसके लिए बोल रहे हो? अपने लिए। मेरे लिए तो नहीं बोल रहे ना? ना, ना। सच बता दो भाई। अपने लिए। तुमने तो नहीं करा साहब। मैं करूंगा। चुप रह लो। बाबू स्वाद चला जाता है। स्वाद चला जाता है। तो मिठाल है वो, खा के जो कुल्ला निकलेगा वो कैसा करेगा? और दांत साफ करेगा। खाना खा रहे हैं। लखनऊ कितने बजे? 10 बजे पहुंचेगा। कहाँ से 8 बजे चलेगा? ये लिफाफे खोल के देख रहे हैं क्या है? बोला क्या है इसके अंदर? मैं दे दूंगा। चुप रहो। क्यों? तो क्या हो गया? पता नहीं बता दी ना, अब 10 बजने वाला है। तो उसकी मम्मी को कुछ करने जाता, उसके पापा ही खाना बनाते, सब बर्तन सब साइड में उठा देते। तो वही होना चाहिए ना, आराम भी मिलना चाहिए बेचारी को। ऐसी मेरी बाबू को भी। वाह वट बाल। अरे खा लो, अरे थोड़ी लो, कोई नहीं खा रहा नहीं मिलाएगी भाई। दो खा रही थी मैंने। मीठा नहीं खाती यार। अरे खा ले, पेट भरा है, कौन खाएगा मिठाई? मैं खाएगा। अरे खता कौन है, बच्चे तो है नहीं कोई। इन्हें इन्हें बहुत अच्छी लगती है मिठाई। बाबू ज्यादा भी मीठा मत खाना, तुम्हारे दाने हो जाते हैं। मिठाई होती तब गर्मी में ज्यादा होती है। हाँ खाओ, कल शाम खा देता सब। यहाँ तो रोजी खाती है, इतने तो खा ली, उसने खाया होगा। यहाँ रोजी कमो ही खाना चलते, कमो भी नहीं है अभी। अब नहीं खाएंगे। बाय, जल्दी आना। सुनो गाड़ी का जमा ले जा रही हूँ, अब वो वो पापा को छोड़ने जा रहे हैं। गाड़ी तो जमा ही चला रहे हैं, कहाँ छोड़ेगा। हाँ फिर आते टाइम खुद ले आएंगे ना बाइक को। तो पापा को छोड़ने के लिए गए ड्यूटी, क्योंकि बाइक आज हमें भी चाहिए, हम भी घूमने जा रहे हैं, मतलब सामान वान लेने जा रहे हैं। कब आओगे तुम? शाम को। हाँ यार शाम हो जाएगी। लो आप यहाँ बैठो आराम से, धूप से को मैं बर्तन धो। माती वहाँ गया है, जमाई गए हैं। हाँ चलो गाइस मैं बर्तन धो लेती हूँ। हाँ हाँ अभी आ जाएंगे, पापा को छोड़ के आ रहे हैं बस। मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया, नानू खाना खा ले। तो गाइस बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। जब तक मम्मी जंगल गई है घास वास काटने के लिए, रोजी कोचिंग चली गई, और ये पापा को छोड़ने के लिए चले गए, नानी बाहर है। ये मेरी नानी सास है, मतलब मेरी सास की मम्मी। एक मेरी नानी दिल्ली में भी है, वो तो अभी आई नहीं कभी यहाँ पर। चलो मैं पहले बर्तन धोती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं, ठीक है? गाइस कितने सारे है, ओह माय गॉड। बर्तन धुल गए सारे, ऊपर लगा दिए, दाल बची से फ्रिज में लगा देती हूँ अपने रूम के। हाँ तो गाइस मेरे को एक बात क्लियर करनी थी कल सबसे। कल मैं तैयार हो रही थी रात को ना, तो अब सब ये सोच रहे होंगे कि ये पति कहने पे तैयार क्यों हो रही थी, है ना? मैंने आपको बताया था ना क्या सरप्राइज है, मैं आपको उस सस्पेंस में रख रही थी। तो गाइस सरप्राइज ये था, मतलब तैयार में इसलिए हो रही थी क्योंकि सबको पता है कि यार अपने हस्बैंड को तो अपनी बीवी हमेशा अच्छी लगेगी, चाहे वो मेकअप करे ना करे, मगर सभी चाहते हैं हमारी बीवी अच्छे से बन के ठन के रहे। मेरे हस्बैंड तो बहुत चाहते हैं कि मैं अच्छे से तैयार होकर रहा करूँ, मतलब अपनी मर्जी, मेरी मर्जी है ऐसा वो चाहते हैं। उन्हें पता है मेरे को तैयार व्यार होना पसंद है, तो वो चाहते हैं मैं तैयार होकर रहूँ, मस्त रहूँ, कोई टेंशन नहीं। और रात को तैयार होने का कोई मतलब भी नहीं था, सभी सोचों कि रात को तैयार हो रही थी, हस्बैंड इतना प्यार करते हैं तो तैयार क्यों थी। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर मैं चाहती थी कि अब वो 3 महीने बाद आते हैं। हर फौजी की जो बीवियाँ होंगी सिर्फ उनको ये बात पता होगी कि हम लोगों को कितनी खुशी होती है ना, फौजियों की बीवी भी नहीं और जिनके हस्बैंड दूर रहते हैं उनको भी कि खुशी होती होगी, चाहे 3 दिन बाद भी किसी के हस्बैंड 3 दिन ड्यूटी पर बाहर जा रहे हो, वो जब आए तो हर बीवी चाहती है कि हमें भी अच्छे से तैयार हो गया रहो उनके सामने, उन्हें भी अच्छा लगे, है ना? तो इसलिए मैं कल तैयार हुई थी कि हाँ उन्हें भी खुशी हुए, मेरे को भी हुए, मेरे को खुद को अपनी ज़्यादा खुशी थी कि हाँ मैं तैयार होकर अपने हस्बैंड के सामने जाऊँ, देखें तो ऐसी यहाँ सोतड़ू पोतड़ू सी भी ना बनी रहूँ। और कल रात को वो 1:30 बजे तक आए थे,
एक बजे तक। हाँ तब तक मैं सोई नहीं थी, नींद तो बहुत तेज आ रही थी मगर आ नहीं रही थी, तो इसलिए मैं कल तैयार हुई थी। तैयार मतलब क्या, छोटा मोटा ही कर रहा था, मगर ये था कि ये बात वही वाइफ समझ सकती है जो दूर रहती है ना, हर जो पास रहती है वो भी समझती होंगी, तैयार होके अपने हस्बैंड के आगे रहना ये वो है ना, ऐसी था। तो इसलिए कल मैंने बात पहले नहीं करी थी, क्योंकि तब मैं आपको बता नहीं रही थी ना कि वो आ गए हैं। तो अभी पापा को छोड़ने गए, बर्तन वर्तन धुल गए मेरे, मैं थोड़ा सा अपना रूम वगैरह साफ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर हमें मार्केट जाना है, ठीक है। और आज हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे कंसल्ट करने के लिए। तो जो अब मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ, तो ये वाली बात भी आपसे शेयर करूंगी कि आज हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हैं कंसल्ट करने के लिए, दिखाने के लिए। बाकी तो हमारे सब टेस्ट हो रखे हैं, सब नॉर्मल आया, बट एक डॉक्टर और बताए हैं किसी ने अच्छे, तो उनके पास भी एक बार दिखा लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।